वेलकम बैक टू द चैनल बी ऑसम टीएलएफ। तो आज हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 34 की मार्केट में और यहाँ पे ना तोशिप्स नाम से एक जगह है, शॉप है जहाँ की चाप्स और नॉनवेज काफी ज्यादा फेमस है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर करी है अभी मसाला चाप और साथ में चिकन टिक्का, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमारा वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन ये दो चीजें आप ट्राई करके देखो, आपको काफी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है तो वो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा पॉइंट कम लगा, लेकिन बाकी चीजें कैसी हैं टेस्ट करने में ये आपको मैं बताऊंगी। तो पूरी वीडियो देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक यू बटन पे भी क्लिक कर दो, मेहनत का फल तो कुछ मिलना चाहिए। सो अभी चलते हैं ट्राई करते हैं। अच्छा तो गाइज अभी जो मेरे पास है वो है इनका चिकन टिक्का प्लेटर, जिसमें ये लोग कहते हैं कि 8 पीसेज आते हैं और साथ में ये हमें कॉस्ट किया है 250 रुपीज़ का। अब जो पीसेज का साइज है वो आप देख सकते हो, जो इन्होंने मुझे 8 कह के 250 रुपये में बेचे हैं, आई एम वेरी एंग्री ओवर दैट। तो साथ में इन्होंने हमें दी है कैबेज की जो थोड़ी बहुत सैलड वाली चटनी, साथ में ग्रीन चटनी, साथ में नींबू और ये हमारे चिकन टिक्का। तो क्वांटिटी के हिसाब से 250 रुपये में आई एम नॉट रियली हैप्पी, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट का मुझे नहीं पता, बट क्वान्टिटी वाइज मैंने ज़्यादा खाया हुआ है 250 में चिकन। सो लेट्स ट्राई अबाउट चिकन टिक्का, सब में डबो डबो के। नमक बहुत ज्यादा लगा बट चिकन टिक्का हल्का हल्का क्रंची होता है और बीच में से ना काफी नरम होता है, उस हिसाब से ये ठीक है, बट मुझे नमक बहुत ज्यादा लगा। मसालों के हिसाब से कहे तो मैरिनेशन जो है इसकी वो इसमें थोड़ा सा चटपटापन है, बट इसमें अगर हल्का नमक कम होता और हल्की सी थोड़ी सी मिर्ची और यू नो मैरिनेशन में ऐड की होती तो ये जो फ्लेवर है ये और भी अच्छा लगता। और मुझे इसका ग्रीन चटनी का जो स्वाद है वो इसके साथ अच्छा लग रहा है। गोभी वाला सैलड भी अलग से ट्राई कर लेते हैं, बंद गोभी का, और इसमें है अनियंस और डाली हुई इन्होंने कैरेट, ठीक है, कुछ ऐसा ओवर द टॉप स्वाद नहीं है, बेसिक टेस्ट है तो ठीक है, बट या इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी और नमक कम होना चाहिए था इसमें, थोड़ी मैरिनेशन पे इनको और ध्यान देने की ज़रूरत थी। और पर्टिकुलरली सबसे जो ज़रूरी चीज़ रहती है वो ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा कुक हो गया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड मुझे लग रहा है, बट ओवरऑल टेस्ट के वैल्यूज वाइज मैं इसको देती हूँ 5 में से 3.7, क्योंकि मैंने इससे बढ़िया खाया हुआ है, और क्वांटिटी के हिसाब से 5 में से 3 एंड प्राइजिंग इज ऑल्सो 5 में से 3.5। सो ओवरऑल मेरा चिकन टिक्का का रिव्यू ये रहा। अब हम ट्राई करेंगे इनकी फेमस मलाई चाप, तो आ जाओ। सो गाइज मेरे पास आ चुकी है हमारी मसाला चाप, तो क्वान्टिटी देख सकते हो 200 रुपीज इसने मुझे कॉस्ट किया। अगेन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द क्वान्टिटी एंड द प्राइजिंग, बट चाप्स इनकी काफ़ी फेमस है तो ट्राई करते हैं, करी लेंगे आज हम ट्राई। ग्रीन चटनी और सैलड के साथ ये अच्छी जा रही है, मसाला चाप है बट मसाले का मुझे ज़्यादा स्वाद नहीं आया, चाप और क्रीम का ही ज़्यादा स्वाद आ रहा है अच्छा, और मुझे मसाले का बहुत कम स्वाद आया, मतलब मुझे इसमें ना मैरिनेशन को इतनी स्ट्रांग नहीं लगी है, मुझे मलाई का बहुत ज़्यादा टेस्ट आया है साथ में ग्रीन चटनी के साथ, तो वही टेस्ट उभर के आता है, ऐसा नहीं है कि मसाला चाप में आपको यू नो यू आर टेस्टिंग अलग मसाले, वैसा कुछ नहीं है। सो टेस्ट वाइज अगर मैं इसको बोलूँ तो ये ओके है, मैंने इससे बढ़िया चाप खाई हुई है और प्राइसिंग क्वांटिटी के हिसाब से ये मुझे एवरेज लगी। सो अगर सब चीज़ों की बात करें तो 5 में से 3 नंबर है मेरे इन सब चीज़ों के लिए। सो तोशिप से मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, मैंने इनकी गार्लिक नूडल्स खाई हुई है जो काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे इन दोनों चीज़ों में इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं आया। और मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि यहाँ पे कोई टेबल्स नहीं है बाहर, तो आपको हाथ में पकड़ के खाना पड़ेगा और मेरा एक हाथ दर्द हो चुका है बिकॉज आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत है। स्टिल सेकेंड ऑफ ऑल प्राइसिंग के हिसाब से इन्होंने क्वांटिटी जो है वो काफ़ी कम कर दी है, तो वो चीज़ भी मुझे पसंद नहीं आई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाने के ऑप्शंस हैं। हम 34 की मार्केट में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो तब तक मैं ज़रा ये ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको और जगहें दिखाएंगे जो हमने यहाँ से ट्राई की हैं, देखते हैं वो कितनी अच्छी है। सो गाइज ये था मेरा तोशिप सेक्टर 34 का रिव्यू जो कि है परेड ग्राउंड के बिल्कुल सामने। मेरे लिए इट्स काइंड ऑफ एवरेज ओनली, तो लेकिन 34 में और भी बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, बिल्कुल ही यूट्यूबर वाली भाषा हो चुकी है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू बटन पर क्लिक कर देना ताकि हमें भी आपका सपोर्ट शो हो जाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ और देखते हैं उनके पास क्या है स्पेशल हमारे लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम
अब सब कुछ इकट्ठा बोल दिया मैंने. ओके बाय.